हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा सक्सेना, वेलकम टू रिफॉर्मर इंस्टीट्यूशन। कल हमने टॉपिक कवर किया था इलेक्शन कमीशन को, और आज हम कवर करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, साथ में हम लोग एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी देखेंगे, है ना। अगर आपने मेरा इलेक्शन कमीशन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, देन आप लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़िएगा, क्योंकि दोनों ही टॉपिक थोड़ा सा सिमिलर है, है ना। तो हम लोग एक बार इलेक्शन कमीशन को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को पार्ट 15 में डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि ये इसका जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 324 और 329 है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। स्ट्रक्चर की बात की गई थी। इसके बाद वन आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, प्लस आपके टू अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनके पास एक जैसी पावर होती है, सैलरीज भी आपकी एक जैसी होती है, सैलरी होती है आपकी 2.5 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद हमने इनका पढ़ा था अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, प्लस आपका रिमूवल प्रोसेस। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसका रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। रिमूवल प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है, जो वो एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होती है। अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद हमने बात की थी कि क्या आपका फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन। इसके बाद हमने बात की थी कि आपके प्रेजेंट में कौन है, तो वो आपके मिस्टर राजीव कुमार है, 25th नंबर के हैं। इसके बाद हमने लास्ट में एट द लास्ट पॉइंट हमने बात की थी कि फर्स्ट आपकी वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो वो थी आपकी बीएस रामादेवी। इतनी सारी चीज़ें हमने जस्ट आई थिंक लेस देन 5 मिनट्स में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई थी, तो आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। इसको कौन से पार्ट में डिफाइन किया गया है, तो पार्ट 9 में, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 243 के पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये आपके लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन को हेल्प कराता है। जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, इतने लोगों के इलेक्शन हेल्प कराता है, बट आपके लोकल गवर्नेंस के वो इलेक्शन हेल्प नहीं कराता है। तो लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन कौन करवाता है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। अब लोकल गवर्नेंस में भी क्या क्या आ जाता है, आपका पंचायत प्लस नगर निगम आ जाता है। पंचायत का गठन किया गया था, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बनता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नगर निगम को बनाया गया था 74th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें क्या है, आपका नगर निगम को पार्ट 9A में डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल है इसका 243ZA। म्यूनिसिपालिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं वो आपके आर्टिकल 243ZA के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी फॉर्म होता है, तो आप लोग इसे प्लीज़ जस्ट थोड़ा सा 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्योंकि MPPSC की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग MP स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी जल्दी से देख लेंगे। फॉर्मेशन कब हुआ था, 1st ऑफ फरवरी 1994, यानी कि फरवरी के महीने में 1994 में MP स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये भारत का पहला एक ऐसा राज्य था जिसने अपना इलेक्शन कमीशन को बनाया था, फॉर्म किया था। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे MP के, तो वो थे आपके NV लोहानी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। प्रेजेंट कौन में है, वर्तमान में कौन है इलेक्शन कमिश्नर, तो बसंत प्रताप सिंह है ना। फर्स्ट सेक्रेटरी की बात करें तो प्रकाश चंद है। प्रेजेंट में कौन है, तो BS जामोद है सिंस 2021। फर्स्ट वुमन सेक्रेटरी, अच्छा फर्स्ट वुमन आपके इलेक्शन कमीशन नहीं रही है MP की, मतलब कोई बना नहीं है, है ना। तो फर्स्ट वुमन सेक्रेटरी जरूर रही है, तो वो आपकी है विजया श्रीवास्तव, है ना। मोटो क्या है, एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, है ना। और इसके CEO जो है वो आपके बीरा राणा है। हेडक्वार्टर जो है MP स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो भोपाल में है, और इसका जो ऐप है वो चुनाव है, ठीक है। हमने जल्दी से इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में कवर करना है और सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, और आई थिंक एग्ज़ाम में गलती करने से अच्छा है कि हम लोग पहले गलतियाँ कर लें, है ना। तो गलतियाँ नहीं करनी है आपको एग्ज़ाम में। इसके लिए सारे के सारे, एटलीस्ट आई थिंक हर कमीशन से मैंने 20 टू 30
30 क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम लिंक में डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर जाके सारे के सारे कमीशंस के क्विजेस को अटेम्प्ट करिएगा, आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्स में भी आपसे गलतियाँ नहीं हुई होंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा हमें भी। ओके, थैंक यू सो मच।